हाँ सर, कल तक आप भाजपा को वोट देते, आज भाजपा के एनडीए के समर्थन में आप टिकट मिला है, क्या रहेगा? देखिए, प्रदेश के अंदर तीसरी ताकत की हमने बात करी थी, नई पार्टी भी बनाई थी, जन आंदोलन किया, लाखों लोग हमारे साथ आए, 57 सीटों में चुनाव लड़ा, 3 विधायक हमारे बोतल के चिन्ह पर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे और 25 जगह ज़्यादा अच्छे वोट दिए। लेकिन अब मामला पुलवामा के बाद हृदय परिवर्तन पूरे देश का हो गया। पूरा देश मजबूत राष्ट्र चाहता है, पूरा देश चाहता है, देश का नौजवान चाहता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने जो सर्वे करवाया उसमें यही चीज थी कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके एनडीए का हिस्सा बनना है कि देश की स्वायत्तता, स्वतंत्रता, संप्रभुता बनी रहे और नौजवानों की ताकत का बंटवारा नहीं हो। इसलिए हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं बीजेपी का पहले विधायक भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि बीजेपी नई पार्टी हमारे साथ बीजेपी से। और जिन मुद्दों को लेकर हमने आरएलपी बनाई, संपूर्ण कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, विशेष राज्य का दर्जा, वो मुद्दे लोकसभा के अंदर भी हम अगर चुनके गए तो उठाएंगे। नागौर को विकास के लिए आराम मिले और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। प्रमुख मुद्दे दिल्ली के अंदर अगर मैं पहुंचा तो निश्चित रूप से नागौर को विकास के नए आयाम भी मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए, क्या उनके नाम पे भी आप वोट मांगे? केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं, क्या उनके नाम पे भी वोट? तो ऐसा है, मैं नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट मांगूंगा, सीआर चौधरी जी भी हमारे साथ वोट मांगते हुए आपको नजर आएंगे। सब साथ मिलके नागौर में चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान में मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, 36 कौम मिलके चुनाव लड़ रही है। मैं दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए जाऊंगा।